वेट में, हैवी वेट में। हाँ जो भी चीज़ लगा रखी है बिल्कुल जेनुइन लगा रखी है, जेनुअन कोई लगा टेम्परेली रखी नहीं है, लगा रखी। जो बिल्कुल ब्लेड है बिल्कुल। वो भी शानदार है, हाँ जो कोई नट भी एक लगा रखा है वो भी शानदार लगा रखा हाँ है, नट नट बोल्ट से लेकर हर चीज़ हर चीज़ इसमें तक शानदार है। एक्यूरेट और बढ़िया लगा के जी दी सर है। बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, किसान मित्र रिंकू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई सामने सरदार जी हैं, इनसे मिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सरदारों की एक खासियत हो कि जो भी इम्प्लीमेंट रखे हैं तगड़े वाला और अच्छे वाला रखे हैं, तो भाई इनके पास है एक गन्ना वीडर, जिसे ईख जुताई रोटावेटर भी बोलते हैं या इंटररोवीडर। तो भाई इसके बारे में आज फीडबैक लेंगे सामने भैया जी हैं इनसे, कि कैसे कैसे मन बना इसको खरीदने का। और भाई ज़्यादातर ये ना पीछे दिख रही होगी आपको ईख ही ईख, तो ज़्यादातर ईख की खेती करें। तो अभी भाई इंट्रोडक्शन कराऊंगा पहले भैया जी से। अच्छा नमस्कार सरदार जी, नमस्कार जी। तो सरदार जी एक बार दर्शकों को नाम पता बताओ मेरा अपना। नाम वरिंदर सिंह है, गांव मुकीमपुर, जी तहसील गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। जी तो सरदार जी ये जो गन्ना वीडर है इसके बारे में बताओ, कैसे कैसे विचार बना इसे खरीदने का। विचार हम लेने गए थे, सबसे अच्छा हाँ पहली बात उन्होंने हमें कॉपरेट बहुत अच्छी तरह करा, हमारी हाँ बातचीत उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुनी और हाँ हमें इसकी खासियत बहुत अच्छी तरह समझाई। समझाई। अच्छा हाँ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना लाने का, फिर लेके आए तो अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा बहुत मतलब। बढ़िया कर रहा है। हाँ भाई देख लो, ये एग्रीगेट वालों का है और ये ख़रीदा है सरदार जी ने, ये देखो। क्योंकि सरदारों की भाई एक खासियत ये हो है कि ये जो भी इम्प्लीमेंट रखेंगे या ट्रैक्टर हैवी वाला ही रखें। तो अभी ट्रैक्टर कितने हैं आपके पास? चार ट्रैक्टर हैं, चार ट्रैक्टर हैं, तो किस किस ट्रैक्टर पर चला के देखा हुआ वैसे? मैं एमएससी 245 पे चला रहा हूँ और हाँ स्वराज 855 पे चला रहा हूँ। अच्छा, जी तो बढ़िया चले दोनों हाँ, बहुत ट्रैक्टरों पर। बढ़िया चल रहा है, हाँ लोड वोड तो इसका खास सबसे बड़ी होता ही बात ना, हैवी वेट में है। हैवी वेट में हाँ है। जी, अच्छा ये अपने ऊपर डिपेंड है, आप खेत को कितना गहरा लेके जाना चाहते हो, हाँ कितना नहीं लेके जाना चाहते। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है बिल्कुल। बाकी जैसे अभी मैं देख रहा हूँ पहले जुताई कर भी चुके हो आप इस खेत में, हाँ जी, हाँ जी, तो इसी से की होगी ना? हाँ, इसी से करिए। हाँ भाई इसी से ही जुताई की है इन्होंने इस खेत में, तो ज़्यादातर ईख की खेती कर रहे हो जी? हाँ जी, हाँ ईख और धान की। हाँ, एक धान, हाँ आलू, आलू। गेहूँ अच्छा सारी खेती करते हैं तो जी। हाँ खास कर तो ईख के लिए ही खरीदा जी, आयु, खास करिए एक के बाकी लिए मानो खरीदा है। कोई हाँ रो वाली फसल हो तो उसमें भी ये काम कर दे। जी, भाई बनावट ये है आपको दिखा दूं मैं, काफ़ी शानदार है। और ये इसमें जो क्लैंपें नहीं है इनके द्वारा ये छोटा बड़ा भी हो जा, ये देख लो भाई। और इसमें ये 12-12 के सेट लगे हुए हैं, 36 ब्लेडों के साथ आ रहा आयु। और अभी तो फिलहाल ये चला रहे हैं मैसी फर्ग्यूसन 245 पे। बाकी एक चीज़ और बताऊं कि ये 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी इसे चला सके आसानी से, ये देख लो भाई। तो कभी दिक्कत ना आई सरदार जी जैसे तब से? कितने दिन हुए इसे लिए हुए? मुझे हो गए 1.5-2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में कितनी जुताई कर ली होगी लगभग? जुताई भी 20 एकड़ के आसपास जुताई कर बीस ली है। एकड़ के आसपास। तो उन 20 एकड़ के दौरान कोई समस्या तो ना ना ना, आई? कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया चल अच्छा रहा है। बढ़िया चल रहा है, मानो और किसी कोई किसान साथी लेना चाहे इसे। मैं तो ये सुझाव दूंगा, बहुत अच्छा है, अच्छा किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़े, हाँ एग्रीगेट बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ भाई बेस्ट बता रहे हैं, क्योंकि भाई इनके पास खास कराने का विचार और वजह यही थी कि देखो इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और काफ़ी समय से मानो बचपन से ही खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी नॉलेज है और अच्छी परख है जो इम्प्लीमेंट ख़रीदने के बारे में। तो ये इन्होंने एग्रीगेट वालों का ख़रीदा था इसे, भाई चलता भी दिखाऊंगा ये देख लो। और काफ़ी भारी बता रहे हैं, गियर बॉक्स वगैरह काफ़ी हैवी लगा के दिया है इन्होंने, ये देखो यहाँ पे। और जो है इसमें जो ब्लेडे हैं वो भी अच्छे खासे मतलब कार्बन क्वालिटी वाले, जिन्हें बोल रहे हैं बोरोन स्टील वाले, वो ब्लेड लगा के दिए हैं। तो भाई ये देख लो ये बनावट है। तो भाई चलता हुआ और दिखाऊंगा अभी क्या कैसा काम करेगा। ट्रैक्टर कर लिया सरदार जी ने स्टार्ट, मैसी फर्ग्यूसन 245 DI। ये लो भाई बात बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, ना कोई फड़का है ना झड़का है ना आवाज, ये देखो भाई। वाकई भाई एग्रीगेट वालों ने बिल्कुल कमाल कर रखा है, बिल्कुल महीन मिट्टी करता चला जाता है। और इंटररोवीडर नाम से मार्केट में है ये देखो भाई। और इसमें कूड़ चढ़ाने वाले भी लग जाएं अगर लगवाना चाहो। बाकी भाई देखो प्लेटें खुद कूड़ चढ़ाती जा रही हैं, ये देख लो भाई। ना तो भाई ट्रैक्टर पे लोड है और ना ही खड़का है। और भाई सरदारों के तो कहने के आप जानो, जो भी इम्प्लीमेंट रखे हैं काफ़ी शानदार वाला रखते हैं, तो इन्होंने एग्रीगेट का चूज किया है इसे चला रहे हैं।
और काफ़ी शानदार तरीके से वर्क कर रहा है इनके यहाँ पे। ये देखो वीडियो इसकी मैंने और भी बनाई है, और इसकी भी देख लो भाई। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि और किसान साथियों को ये सलाह दे सकूँ कि उन्हें इम्प्लीमेंट अच्छे से अच्छा मिल सके, क्योंकि भाई एक जुताई में ज़्यादातर कारगर साबित हुआ है ये गन्ना वीडर। और ये देख लो, ये भी काफ़ी शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। ये देख सरदार जी, अच्छा जी ये तो बहुत शानदार चल रहा है जी, बिल्कुल ना तो खड़का है ना झड़का ना आवाज ना है बिल्कुल भी। हाँ बहुत बढ़िया चल, आवाज भी ना जी बिल्कुल। हाँ तो बढ़िया लगा तुम्हें तो, मानो कोई और लेना चाहे तो ले सके, क्योंकि देखो किसानों को सलाह यही देनी चाहिए किसी और को। हमारा भी मकसद यही रहे वीडियो बनाने का कि कोई बढ़िया कृषि यंत्र हमें मिल जाए जिससे किसानों को भी फायदा मिले अपना काम करने में, और पैसे की बचत हो जाए। क्योंकि यूं तो मार्केट में बहुत सारे गन्ना वीडर हैं आज की डेट में, मुझे सबसे बेस्ट लगा। लेकिन क्या है ना कि किसान काफ़ी कन्फ्यूजन में है इन्हें खरीदने में, क्योंकि अभी 3-4 साल से मार्केट में आए ये। हाँ जी, हाँ जी। तो कि कौन सा खरीदें जी, एग्रीगेट बेस्ट है। बेस्ट है जी। तो जी सरदार जी बता रहे हैं कि एग्रीगेट वालों का ये बेस्ट है, बाकी हैवी वेट में। हाँ जो भी चीज लगा रखी है बिल्कुल जेन्युइन लगा रखी है, जेन्युइन लगा रखी है, लगा रखी बिल्कुल जो ब्लेड है वो भी शानदार है। हाँ जो कोई नट भी एक लगा रखा है वो भी शानदार लगा रखा है। हाँ नट बोल्ट से लेकर हर चीज इसमें शानदार एक्यूरेट और बढ़िया लगा के दी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो कंपनी की पहचान यहीं से पड़ जा है कि अच्छी चीज लगा के देगी कंपनी, किसानों को बढ़िया इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगी तो आगे को लंबी टिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देख लो सरदार जी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई अपने गन्ना वीडर के, और इसके बारे में काफ़ी शानदार जानकारी दी। तो भी ये थी छोटी सी वीडियो, वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बता दियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करियो शेयर करियो, और भाई हो सके तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दियो ऐसी शानदार शानदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।